हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। आपको सुबह का गुड मॉर्निंग। अभी क्या है, निकलने टहलने के लिए। आप देख सकते हैं अभी हमने गांव के ही पास के एक गांव में आए हैं, ठीक ना। अभी हम चल रहे टहरेंगे, टहरते हुए फिर आपको विजन बताते रहेंगे कहाँ क्या चीज़ है। चलिए चालू करते हैं अपना ब्लॉग। ये अंकल जी देखिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ लिए अंदर, पता नहीं चला। ये पूरा गांव है इधर, ये सराहडी गांव है, देख सकते हैं आप। इन दोस्तों ये सरसों खेत हैं, इस साइड भी, ये बीच में रोड है और इधर इधर भी सरसों पूरा जहां तक नजर जा रही दोस्त रोड है, देख सकते हैं। ये चालू रोड गाड़ी आती जा रही है, इधर देख लीजिए आप, पीछे देखिए, सामने से आ रहे हैं गाड़ी लेकर, इधर है पूरा। देख लीजिए दोस्तों, ये समरसेबुल है, बोले तो सरकारी समरसेबुल लग रहा है। और इसके बगल में खेत है जो कि अच्छा सुविधाजनक है, आप भी ऐसा लगवा सकते हैं। अच्छा ही देखना चाहते हैं। ये दोस्तों सागवान का बगीचा है, सागवान के पेड़ का बगीचा है, जो सागवान की लकड़ी बहुत महंगी आती है, जो जानता हो वो जानते हैं, जो नहीं जानता है उसको हम बता दे रहे हैं कि सागवान का है जो लकड़ियाँ ये हैं, ये बहुत महंगी आती हैं इसकी लकड़ियाँ। जो सागवान का पेड़ है, पूरा सागवान का बगीचा है, ठीक ना, ये पूरा सागवान का बगीचा है और इसकी लकड़ी बहुत महंगी आती है। ये पूरा सागवान का बगीचा है दोस्तों, ये इतना मोटा जितना लंबा रहेगा उतना महंगा जाएगा दोस्तों। बगल में समरसेबुल है जो अच्छी चीज है, ये देखिए दोस्तों सागवान का बगीचा है पूरा। दोस्तों हम आ चुके हैं एक स्कूल के पास जिसका नाम है श्री सहदेव सिंह आदर्श शिक्षण संस्थान रायडी मारिकपुर जौनपुर। ये देख लीजिए दोस्तों, ये स्कूल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों है। पुराना स्कूल ये हो जो है जो खंडित हो चुका है, बाकी ये नया स्कूल है, ये बना है। अच्छा खासा व्यवस्था है और चारों तरफ बाउंड्री है कि ज़्यादा यहाँ कोई अन्य कोई ना आ पाए प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में प्रवेश ना कर पाए। और सामने अच्छा ग्राउंड भी है अच्छा खासा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। अभी सूरज भी निकल चुके हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं, अब चलेंगे हम अपने घर। चलिए तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, बाय।